अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखिए एक डीपी ऑपरेटर आया, इसमें इश्यू क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी लाइन, ये कफ मैंने बाजू पे लगाया होगा, ये मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिएगा अभी इसको ये करता क्या है। बहुत स्लो तरीके से प्रेशर को छोड़ रही है। कस्टमर का कहना था कि बाजू सुन्न हो जाती है और एरर आ जाता है इसमें, मेरी बाजू सुन्न होनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसने रिजल्ट नहीं दिया। अब इसको ठीक आपने कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं बंद कर दूँ, स्टिक लगी होती है पेज के ऊपर प्लास्टिक की। इसमें एक वाल लगा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ ट्यूजर की मदद से। देखिए इसमें एक वाल लगा होता है, थोड़ा सा आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये वाल लगा होता है इसमें, ये क्या करता है, ये प्रेशर को रोक के रखता है, जल्दी प्रेशर को खारिज नहीं होने देता। इसको यहाँ से आपने ऐसे कर लेना है ऐसे, और इसको साफ कर देना। मेरी नज़र थोड़ी सी वीक है, मैं इसको आई गिलास की मदद से दिखाता हूँ आपको इसको किस तरह करना, मैं आपको इसको दिखा भी दूँगा। किसी रोज आएगा मुझको मनाने वाला, इतना जालिम तो नहीं रूठ के जाने वाला। किसी रोज आएगा मुझको मनाने वाला, इतना जालिम तो नहीं रूठ के जाने वाला। करबला की हमें तारीख बताई है यही, खुद ही मिट जाएगा एक रोज मिटाने वाला। सुभान अल्लाह, और अहमद फराज कहते हैं साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं। गलत हो गया भाई, मैंने दूसरा सुना वो था, तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं कश्ती पे बोझ हूँ,
तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं कश्ती पे बोझ हूँ, अब आंखों को न ढांप, मुझे डूबता भी देख। इसके अंदर अपना बारीक सा सुराख होता है, इसको बारीक वायर लेके आपने यूं इसके अंदर से सफाई कर देनी, इसमें कचरा आ जाता है, फिर ये प्रेशर को लीक आउट बहुत देर से करता है, रिज़ल्ट काफ़ी देर में आता है, या एरर आ जाएगा आपका, और या आपकी जितनी देर में ये प्रेशर छोड़ेगा आपकी बाजू सुन बटा सुन हो जाएगी। इसको मैं दोबारा यानी कि दुबर्रर लगा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको यहाँ से उतारा था, मैंने इसको वहीं पे लगा दिया। हम तो इंतज़ार के कायल ही ना थे, तूने लगा दिया दीवार पे हमें घड़ी की तरह। लो जी, मैं दोबारा चेक करवाता हूँ आपको। आवाज़ आपको आ गई है ऑन की, डिजिट आ गया हमारा, ये देखिए शादी। हमारा दोस्त था इंजन सिटी का, वो अक्सर सुनाता होता था, शायर था। जी रिक्शे वाले को फोन करना।